जय हिंद दोस्तों, टीम एनिमल बर्ड्स वेलफेयर सिरसा हरियाणा से। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज होली का त्यौहार है और सारा शहर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला होली का त्यौहार मनाने में बिजी है। इसी बीच हमें सिरसा के ही नज़दीक डिंग मंडी से कॉल आता है कि वहां पर एक मंकी है जिसे करंट लग गया है और वो बहुत ही बुरी हालात में है। तो हमने क्या सोचा, त्यौहार हर साल आता है लेकिन उसकी जान बचाने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा, तो हमारे साथ बजरंगी भी जा रहा है रेस्क्यू करने के लिए। इसे इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि इसे देखकर वो थोड़ा घबराए ना और इसके पास आ जाए, हम उसे इजीली कैप्चर कर सके। सो अभी हम निकले हैं सिरसा से डिंग मंडी की ओर, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कैसा केस है, कितनी मुश्किलें आती है रेस्क्यू करने में। बने रहिए व्लॉग के साथ। पीवीआर के पास आगे नजर रखो, कह रही ना पता हो ना, बजरंगी कहता मेरे से पूछ लेना। सारा इलाका गया हुआ है, इतनी उम्र होगी, आज तक अपने करे क्या, रास्ते ही छान मारे ना बजो। देखिए कि आगे बजो, हाँ रास्ता पता है ना सारा, ठीक है बस आप उत्थे चले हैं, पता ना तेनों रेस्क्यू करने चले हैं बजू, हाँ ठीक है, रास्ता पता तेनों सारा है बजू, ठीक है आसे मन जनता टेंट इधर मुड़ने के देख ला, खड़ा होके देखी इधर मुड़ने आसे देख ला, सही मुड़े हैं के बजू, अरे बजू सही मुड़े हैं यार, हम तो दस ही नहीं आंदा, दस देख ला उत्ते खड़के सही मुड़े हैं के, गलत रास्ते मुड़ जाएंगे आप। नहीं नहीं बच्चों कहना सही मुड़े हैं, देख लेंदे एक बार यार, पहले आए तो हैं यहाँ पे भाई लोग और रहते, भाई लोग के करंट लग गया, पता लेने आए थे। कहाँ पे बच्चू, बच्चू रास्ता देख इधर उधर सही है, केड़े पासे है, केस है कोई इत्थे दसो यार, इत्थे कोई केस दसे सानू मनचंदा टेंट वाली गली च, ओ करंट जेड़ा लगा, हां ओ अपने नुक्कर दे गया भाई, नुक्कर दे गया यार, फोन आया सी ट्रू कॉलर ते, कोई सुमन आ रहा है कोई इत्थे, बस फिर उन्होंने फोन किया, ठीक है ठीक है, हाँ उन्होंने फोन किया, फिर केस देखो केड़े पासे करता है के बड़े क्लब करोड़ा, वीडियो तो बड़ा फोकस रखता है भैन जो, सही है आगे जाके पूरा ओमे भाई करोड़ा देखो अपने हरमन की कोशिश करिए आप उन्होंने, हां ना क्लब से ले चलिए फिर एक बार स्टिक स्टक रहने दी, देख दें वीडियो बन गया, हां हां उत्ते मैं क्या किसे कमरे च करिए उन्होंने अब तो जमा छोटा जा चौदह का नाम दसी एक, हाँ इनू जान दे, इनू जान दे, वेखदे आ टैंकी टूंकी थले बैठा होगा, वो बैठा परली टैंकी थले,
ਹੋਰ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਬੱਜੂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਗਿਆ ਲੈ ਆ ਗਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨੈੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਸੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੁਸੂ ਕਰਤਾ ਆਹ ਤਾਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਹੱਥ ਜਾਲ ਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਓ ਦਿਖਣ ਨਾ ਦਿਓ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਲਓ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਜਮਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਟਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੈ ਬੱਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਸ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾਈ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਲ ਲਿਆ 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 ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਬੱਜੂ ਫੜ ਨਾ ਪੈਜੂ ਬਾਲਾ ਕੱਬਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਜਾਲ ਪਾ ਦੀ ਖੜ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਖੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖੜ ਜਾ ਜਾਲ ਨਾ ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਹਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਐਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹਜੇ ਨਾ ਪਾਈ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਫੜ ਰਕੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਫੜੀ ਦੇਖ ਫੜੀ 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 ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ
ਪੈ ਤੋਂ ਕਿੱਲ ਚ ਫਸਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਆਓ ਜਾ ਲੈ ਆਓ ਦੂਜਾ ਗਲਵਸ ਪਾ ਲੈ ਗਈ ਗਲਵਸ ਕਾ ਗਲਵਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਓ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਰੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵਸ ਪਾ ਲਈ ਜੀ ਪਾਪਾ ਕਾਕਾ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਆ ਫੜਾਇਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਜਾ ਆ ਬਤਾਇਆ ਚੈਨੀ ਖੋਲ ਦੇ ਆ ਜਾ ਜਾ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਆ ਜੀ ਆ ਜਾ 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 ਤੂੰ ਭੱਜਾ ਜਾਈ ਮਾਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਆ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਠਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਬਟਲ ਤੂੰ ਜਾ ਓਏ ਬਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਲਵਸ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੇ ਪਏ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਬ ਲਾਇਆ ਦੂਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਏ ਸੁਣ ਦਬ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਜਾ ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਬਸ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਟਲ ਆ ਸੋਲਾ ਖੜਾ ਗਲਵਜ਼ ਕੌਣ ਲੈਣਗੇ ਪੰਕ ਲੈਣੇ ਗਏ ਆ ਚਲੋ ਚੱਕ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜਿਆ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜੀ ਗੋਲੀ ਆਏਗੀ ਵੋ ਦੇਣਾ ਇਸਕੇ ਬੂੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੋਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਫ ਪੈਟੈਕਸ ਨਾਮ ਪੇ ਗੋਲੀ ਆਤੀ ਵੋ ਦੇਣਾ ਇਸਕੇ ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂ ਹਣਾ ਸਿੱਧੀ ਮੋੜ ਘੁਮਾ ਦੇਣੇ ਮੋੜੀ ਜੀ
ਬਸ ਘੁੰਮ ਗਏ बस जी बस जमा ही नहीं। हाँ होली वाला प्या दो, होली वाले बाबा थके है। हाँ होली वाला प्या दो, एदा इलाज कर लिया सी जाके। बस बस धन्यवाद। स्मैल देख गड्डी दे अंदर भी नाले बंद है, बाहर दी अंदर आई जांदी है। एक दिन ती इना मड़ा जांदे कराउणा पऊगा इलाज। ए दो चार दिन मर जांदा इह जिहड़े हिसाब नाल इहदे हाल सीगे ते मार दे भज्जे ते जाणा ही नहीं सी इस तां तां ही छत्ता ते फिरदा इह भाई कहते हैं मिल आया था, मैं उसको जाके समझा दिया था कि भाई लोग आए हैं इलाज करने के लिए, ठीक है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वहाँ पे रहते हैं, चार पांच फंटर लोग गैंग है हमारा वहाँ पे, मजाल नहीं किसी की कोई चूम पैं भी कर जे मेरे आगे। मेरे आगे क्या मसला, भाई ने बता दिया था वहाँ शेल्टर में भी टर्बो साथ अपनी यारी है, दानवीर के साथ अपनी यारी है, और अपना बोलने देते नहीं, पिग्गी के साथ अपनी यारी है, तो बता दियो, इसको कह दिया, कहते कोई मसला होए फोन खड़का दियो, बजरंगी राइट हैंड से फोन उठा लेगा तभी। बस बजरंगी कहते पोस्ट तो देख ली थी मैंने भाई की इंस्टाग्राम पे उसकी, गॉट इंजर्ड फ्रॉम ट्रांसफार्मर, कहते फिर यार मैंने कहा होली है भाई और को क्या बोलना, फिर इतने में कहता तुम्हारे पास फोन ही आ गया, फिर मैं कहा चलो फिर मेरा जाना तो कहते जरूरी है, बजरंगी कहता मेरे बिना कहता वो आएगा नहीं, तुम्हारे साथ बननी नहीं, फिर तभी तो बजरंगी ने समझाया, कहता मसला ऐसा है कि इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, ज्यादा तीन पांच करी यहीं धरूंगा, सज्जे हाथ से मारे ना चार चपेड़ उठना नहीं, बस गुस्सा नहीं होना, गुस्सा बहुत है, बस ले आया।